गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने चुनावी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर पार्टी मौका दे तो वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने सोमवार को कह दिया कि उन्हें अमेठी के अलावा देश भर से लोगों के कॉल आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेठी की इसीलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि मैंने 1999 के बाद से ही वहां प्रचार संभाला है और मैं जाता रहा हूं। इस तरह रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर संदेश दे दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले भी वो मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर ऐसी बातें कर चुके हैं, पर यहाँ एक बात गौर करने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा खुद जरूर चुनाव लड़ने की बात करते हो, लेकिन कांग्रेस की इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद रॉबर्ट वाड्रा के दावों से असहज है और चाहती है कि वो राजनीति से दूर ही रहे। इसकी वजह यह है कि पार्टी में पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव है। तीनों का ही बड़ा कद है और उन्हें हाई कमान का दर्जा हासिल है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री परिवारवाद के आरोपों को और बढ़ा देगी। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव में उतरे या फिर कांग्रेस में कोई सक्रिय भूमिका अदा करे। रॉबर्ट वाड्रा की जैसी इमेज है उसके चलते भी कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दरअसल हरियाणा और राजस्थान में उन पर लैंड डील में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। ऐसी स्थिति में पार्टी नहीं चाहती कि ये रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय हो क्योंकि उनके आने से करप्शन और परिवारवाद दोनों ही आरोप पार्टी पर नए सिरे से चिपक सकते हैं। बता दें कि अब तक अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अमेठी से स्मृति ईरानी फिलहाल बीजेपी सांसद है और 2019 में राहुल गांधी अपने ही गढ़ से हार गए थे, उस वक्त उन्हें वायनाड से जीत मिली थी। चर्चा है कि प्रियंका गांधी को इस बार रायबरेली से कैंडिडेट बनाया जा सकता है क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। इस सीट से सोनिया गांधी सांसद चुनी जाती रही हैं। इसके अलावा अमेठी की बात करें तो यहां राहुल गांधी उम्मीदवार बन सकते हैं और अब रॉबर्ट वाड्रा भी दावेदारी जताने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अमेठी सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का भी समर्थन करने की बात कही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, अगर राहुल को लगता है कि उन्हें वायनाड के बाद अमेठी से भी लड़ना चाहिए तो मैं उनके प्रचार के दौरान उनका पूरा समर्थन करूंगा। साथ ही मुझे लोगों से बात करने के लिए सक्रिय राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। वे जानते हैं कि अगर राहुल और प्रियंका मौजूद नहीं है तो वे कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।